राणे ने जो कहता हो कहता। और 2016 में मैं आया था, मुझे वो वाला ट्रिप इतना खास याद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपको भाई आर एच एस एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। और इस टाइम हम लोग बैठे हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, लेकिन फ़्लाइट हमारी डोमेस्टिक है, उड़न कबूतर पिजन फ्लाई हम लोग जा रहे हैं। स्कर्दू सुबह सुबह का टाइम है, अगर मेरी बत्तियाँ बुझी हुई लग रही हैं तो हम पूरी रात लाहौर से सफ़र करते हुए यहाँ पहुँचे। अभी आगे स्कर्दू जाएंगे, स्कर्दू जाके ज़रा अभी नाश्ता मंगवाया, नाश्ता आता फिर थोड़ी सी एनर्जी बहाल होगी। मेरे साथ ट्रिप में है हसन, क्या हाल है? ठीक अल्लाह का शुक्र है। जे डी बॉय, ठीक है जे डी, तू अपनी एयरपोर्ट वाली हरकत फिर कर रहा है वॉशरूम में। और मिस्टर वासिफ जो दुबई जाते हैं ठोकर समझ के। क्या हाल है वासिफ? ठीक ठाक। प्लेन जी टाइम हो चुका है 7:35 और 8:15 पे उड़न कबूतर होना है। अभी फ़िलहाल हम लोग नीचे जाएंगे, जहाज़ में सवार होंगे, तकरीबन 50 मिनट की या घंटे की फ़्लाइट है। ये थोड़ा सा डरावनी होती है, थोड़ी सी मज़ेदार होती है, लेकिन काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। यार एक्साइटमेंट नहीं मुझे नज़र आ रही अभी तेरी, पहुँचने दे। हसन की आ रही है मुझे नज़र मास्क के पीछे से। वासिफ ऐसे लग रहा है जिस तरह को धक्के से लेके जा रहा है। यार मुझे थोड़ा सा इस तरह होना पड़ेगा। हाँ यार इनकी हाइट बहुत, ये खुद एक ट्राइपॉड है, ये खुद एक ड्रोन है, खुद एक ड्रोन है। यहाँ मौसम कैसा है यार ऊपर? यहाँ अच्छा है, इधर सुनाओ कैसा है। राणे ने जो कहता हो कहता। वेलकम टू स्कर्दू जी। 20 डिग्री सेंटीग्रेड, घंटा फ्लाइट लेट हुई थी 9:15 लाहौर से इस्लामाबाद से निकले और 45 मिनट्स की फ़्लाइट थी। खूबसूरत तरीन फ्लाइट है, ऐसे ऐसे सीन इसमें आते हैं, मतलब नांगा पर्वत का एक जो मेजेस्टिक व्यू है। खैर अभी हमें ये बस यहाँ से लेके जाएगी और हम आगे पहुँचेंगे सिटी में। स्कर्दू एयरपोर्ट पहुँच के हमें मिले छोटू डॉन, क्या हाल है? अपना नाम बताओ। अली। अली क्या करते हो आप? मैं खाते हो? क्या खाते हो? जो चीजें आप एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, वो ये खाते हैं। अच्छा, ये जी क्यूट सा जवाब था, मैं खाता हूँ। चलो स्कर्दू एंजॉय करो, सही है? ओके अल्लाह हाफिज़। हाँ जी ये होते हैं जवाब, क्या करते हो? मैं खाता हूँ। वासिफ क्या करते हो? खाता हूँ, निकालता हूँ। अच्छा भाई, हवा ठंडी ठंडी है, धूप गर्मा गर्म है। हम लोग अभी सोच रहे थे कि मौसम कैसा होगा, रात को जैकेट पहनेंगे नहीं पहनेंगे दिन में। अभी भाई ने हुडी पहनी हुई है। यार मुझे बताएं यहाँ के मौसम का क्या, आप हुडी पहन के बैठे हुए, इतनी गर्मी हो रही है। सुबह जब मैं आ रहा था तो बिल्कुल मौसम ठंडा था, सही, इस वजह से हुडी पहन के आया, लेकिन जब आपको पिक करने एयरपोर्ट पर आया तो धूप थी। अच्छा, और शाम में भी ठंडी हवा है। शाम में ठंडी हवा है? जी जी जी, रात तो ठंडी है, सही है, तो आपको रजाई लेनी पड़ेगी। अच्छा, रजाई खुश हो गया वासिफ, रजाई के साथ क्या ताल्लुक है? वासिफ को अकेले को वहां पे कमरा मिल गया और ये है हमारा रूम। तू तो ऐसे एंटर हुआ जिस तरह वो कुमकुम वाला ड्रामा नहीं होता था, कहानी घर घर की। आओ तुलसी बाजी, मुझे पूछा क्या पूछो? मुझे बताया। अच्छा बताओ फ्लाइट कैसी रही? इट वॉज गुड, लेकिन बाली से तुर्की की फ्लाइट ज़्यादा अच्छी होती है। कौन से बाली से तुर्की? बाकू से तुर्की। बाकू से तुर्की, स्क्रिप्टेड चीज़ तो याद कर लेनी चाहिए। दोबारा पूछ। जब से हम प्लेन से उतरे हैं मुझे बार बार कह रहा है कैमरा ऑन करके मुझसे पूछ फ्लाइट कैसी थी। यार देख मैं ना सच बोलता हूँ सिर्फ अपनी मेरी ऑडियंस, और खास तौर पे जब शपैक गैंग हो मैं उनसे झूठ नहीं बोलता। दोबारा कर। फ्लाइट कैसी रही? अच्छी थी, ठीक है, स्मूथ थी, लेकिन बाकू से तुर्की की फ्लाइट ज्यादा अच्छी है। वासिफ आपकी तालियां। इश्क की साजिश।
अच्छा ये जो सब कुछ स्कर्दू में चल रहा है, हम लोग स्कर्दू आए हुए हैं फॉर द न्यूली लॉन्च्ड इन्फिनिक्स 020। अब इस फ़ोन की जो गेम है वो थोड़ी सी अनरियल लगती है, लेकिन मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, मैं बताता हूँ। ये बेसिकली डिज़ाइन हुआ है फॉर मेरे जैसे व्लॉगर्स जिन्होंने हार्ड टाइम कैमरे को ऐसे करके दौड़े फिरना है। इसका फ्रंट कैमरा 60 मेगापिक्सल OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। इसके एक्शन मतलब आप जितना भी हिल रहे हो, आप एडवेंचर कर रहे हो, आप भाग रहे हो, आप डेली लाइफ में कुछ व्लॉग कर रहे हो, कैमरा इतना स्टेबल है, आपको दिखाऊंगा, ऐसी नहीं कह रहा। खाना शाना लग गया है, टीम के बाकी अफराद पहुंचे नहीं अभी और हम हमेशा की तरह भूखे खाने वाले पहुंच चुके हैं। साथ ही छोड़ दिया। आएंगे तो खाएंगे भाई। नहीं नहीं अभी जो रोटी पाड़ रहे लगे थे ना करो। मेन्यू में हमारे पास है चिकन कढ़ाई, चिकन जिंजर, सब्जी, पुलाव और इसके अलावा हमारे पास है दाल। अच्छा भाई, दोपहर को जब हम लोग पहुंचे, नींद में हालत है उस टाइम बिल्कुल टाइट हो चुकी थी, खाना खाया और खाना खा के हम सो गए और घोड़े बेच के सोए। सुती उठियाँ थोड़े से बाल ने अभी खिल रहे हैं। क्या पीती है अभी? किधर आए हैं हम लोग? अभी हम तंदूरी कैफे आए हैं, पिछली बार आया था यहाँ पे। सही है, बहुत ही फिट किस्म की चाय है। क्या खासियत है? इसमें मेवा जात होते हैं और आप जरा बड़ा इंजॉय करते जाए, तंदूरी एक तो थोड़ा टेस्ट आ रहा होता है। तो दोपहर को वासिफ मुझे कहता है एक चाय पिलाऊंगा नहीं खिलाऊंगा। अभी यहाँ पे ये चाय खाने वाली है, चाय के अंदर उन्होंने मेवे शेवे डाले हुए। हसन ठंड ज्यादा लग रही है, बर्फानी जैकेट पहनी हुई है। नहीं प्लान था ना कि आगे भी जाना, तो इसलिए जरा अभी असल में प्लान अभी फिलहाल ये है कि असर फरंगा डेजर्ट जाना है क्योंकि वासिफ ने मिल्की वे कैप्चर करना है, लेकिन कोई पता नहीं है काले बादल आए हुए। फिलहाल अभी चाय खाएंगे फिर देखते हैं। कोई और मुल्क हो या पाकिस्तान का नॉर्थ हो, किचन रेड इज मस्ट। स्कर्दू में स्टार्ट हमने तंदूरी कैफे, यहाँ पे लेट नाइट का जो कैफे का सिस्टम हमने यहाँ पे किया था 2020 में। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। असल में यहाँ पे तंदूर में हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इतना ज़्यादा रश नहीं होता। एक तो फिर तंदूर को गर्म करें फिर बंद हो जाना, फिर सारे मटके जो है वो फिर ज़ाया हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं फिर ठंडा हो जाता है। इसलिए हम आग पे इस तरह गर्म करते हैं और चाय हम इस पे सर्व करते हैं। हाय 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 हाय, ये है असल गेम। ऊपर जो डल रहे हैं ना क्रश्ड नट्स, ओए होए कैसा फिर चाय की चाय और तगड़पन का तगड़पन। ले जी चाचू जी, चाय आ चुकी है और चाय इन्होंने देती है प्रॉपर कुजियां च पा के, और इसके अंदर ऊपर क्रीम डाली हुई है, ऊपर क्रश्ड नट्स डाले हुए हैं। ओए वो मिट्टी की वजह से जो एक स्मोकी अरोमा है इसका, वो बड़ा लेवल करवा रहा है। ऐसे हार्ड कोर सी चाय नहीं होती वो है। ओए होए होए होए, स्कर्दू की रात और भाई ने लगा दिया मेरा फेवरेट गाना। ओए होए, और ये सरफरंगा के अंदर गाड़ी एंटर हो रही है, दूर दूर तक ना कोई बंदा ना कोई बंदे की जात, सिर्फ मेरी गाड़ी में 3-4 जिन बैठे हुए हैं। ओए ये वासिफ, तुम्हारे आज मिल्की वे के चक्कर में अगर कुछ हो गया ना मुझे, कुछ नहीं होता भाई, मेरी शपैक गैंग ने तुम्हें बख्शना नहीं है। और मेरी तो कोई आर्मी भी नहीं है मेरा सपोर्ट करे। बहू बहन डर गई, बहन डर। स्कर्दू की खाली सड़कें और हम लोग जा रहे हैं अपनी पहली लोकेशन की तरफ। कहाँ जा रहे हैं बॉस? सरफरंगा। हमारा डे टू है स्कर्दू में। ये पीछे जो इतनी गाड़ियों का एक मजमा खड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये बेसिकली DVC शूट है जो अभी शुरू होने लगा है। सुबह के 6:30 हुए में हमारा टाइम था, 4 बजे उठे तैयार हुए। पता नहीं इन्होंने मेरे ना मेकअप मुकअप किया, पता नहीं नज़र आ रहा है आप लोगों की, नहीं पहली दफ़ा वो इन्हीं सड़कों पे मोटरसाइकिल भूं और स्किन सड़ रही होती है, आज बिठा के मेकअप कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। हसन कैसा लग रहा है इतना सुबह सुबह सरफरंगा, मज़े का सीन? बड़ा मज़े का सीन है और सूरज की जो रोशनी है हाँ, वो भी अभी कुछ पहाड़ों पर पड़ रही है और कुछ वैसे ही है, तो बड़ा अच्छा सीन है यहाँ पे। होंठ नरम होने मुलायम जूसी हो गए फर्क नज़र आ रहा है हाँ वैसे ही। ये जी यहाँ पे सारी टीम खड़ी है, अभी वो कैमरे सेट हो रहे हैं, उसके अलावा ये सारी निकल के कुछ हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो गए, मेरे की हो रही है यहाँ पे, इसके बाद अभी शुरू होगा शूट। यार मेरे किसी बाइक ट्रिप पे तुम साथ जाओ ना, ओए होए होए मजा आ जाएगा लेके। और जिस तरह तुम कैमरा सेट कर रहे हो और सामने से शिकरा आ रहा हो 150 पे। गाइस दिस इज माय ओह चीजी, यू नो एक ट्रांजिशन वीडियो मैंने शूट किया है, मुझे फॉलो करें टिकटॉक पे, लाइक करें, कमेंट करें, थैंक यू। राणा ने जो कहता हो कहता। कार नंबर 1 वो सामने जा रही है, सेकंड स्पॉट पे जा रहे हैं क्योंकि एक स्पॉट हमारा हो चुका है और बाकी पीछे काफिला आ रहा है पूरा।
जैकेट मेरी चेंज हो चुकी है क्योंकि पहले स्पॉट पे शॉर्ट्स हो चुके हैं। अभी आगे हम लोग कहाँ अंदर जा रहे हैं डेजर्ट में ज़्यादा, वो क्या बिल्कुल अलग साइड है कोई टीला है जी, रेत का। अच्छा रेत का टीला है, वहाँ जा रहे हैं। मेरी मौजें आप चेक कर रहे हैं कि मेरा इस शूट के अंदर भी मेरे पास खाने, और वासिफ की शक्ल ऐसे मतलब पानी आ रहा है। हमजा भाई क्या क्या लग रहा है आपको इसकी शक्ल देख के? जल्दी खा ले वरना कि पेट में दर्द होने। ये सारे बॉयज इधर काम चल रहा है फुल। जैसे ही मेरा शॉट डन हुआ है ये देखो कैसे पहुंचे हैं सारे, ऐसे टूट गए जिस तरह ड्राइंग रूम में। रिज़क रोटी का वादा अल्लाह ने किया हुआ है, डेजर्ट तो पता नहीं कहां से आ गया यार। जैसे मेहमान जाते हैं और बच्चे नहीं ड्राइंग रूम में टूट पड़ते हैं। चलो चले। हाँ भाई हम लोग इस टाइम कहाँ पे हैं? हम शिगर फोर्ट में। हम लोग हैं इस टाइम शिगर फोर्ट में और यहाँ पे चल रहा था वही शूट, सुबह से चल रहा है। अभी टाइम हो चुका है 3:50 और यहाँ से दोबारा हम लोग जाएंगे सरफरंगा, वहाँ पे हम अब पकड़ेंगे सनसेट को। सुबह हमने सनराइज शॉट लिए थे, अब सनसेट होगा। अभी और बड़ी मजे मजे की चीजें। कैसा दिन गुजर रहा है? अच्छा गुजर रहा है, तकरीबन 12 घंटे होने वाले हैं हमें। 12 घंटे होने वाले शूट पे निकले हुए, फिर नाइट में भी शूट है और उसके बाद आगे 2-3 दिन ऐसे ही है, शुगर फुल चल रहा है। अच्छा ऑन पेपर तो फ्रंट कैमरा 60 megapixel OIS है, लेकिन टेस्ट तो ज़रूरी है। टेस्ट नहीं होगा तो पता कैसे लगेगा कैमरा कितना स्टेबल है। तो टेस्ट भाई आपको चेक करवाता है, आपने खुद बताना है क्या गेम है। Let's go! बॉयज जैकेट फिर से चेंज हो चुकी है और हम लोग दोबारा से सरफरंगा पहुंच चुके हैं। भाई इस टाइम शूट कर रहा है इन्फिनिक्स 020 से, वो मैं इसलिए शूट कर रहा हूं क्योंकि यहां पर रेंगलर आई और रेंगलर पे हम लोग जाएंगे सैंड ड्यून्स में सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट के अंदर। तो इसका मैं OIS ट्राई करूंगा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। कौन सी गाड़ी में बैठना है? वो वाली गाड़ी। चलो यहां से शॉट यहां से शुरू करना है आगे से। ये रेंगलर है जिसने हमें अभी अंदर डेजर्ट में लेके जाना है और मेरी सीट। या अल्लाह खैर रेंगलर। ओए होए भाईजान जरा ख्याल से। ओए ओए क्रेजी स्टेबिलिटी। ओए यार हम फुल इस टाइम डेजर्ट के अंदर से गुजरे हैं और मैं कसम से यार मैं बहुत इंप्रेसिव है इसकी OIS, बहुत इंप्रेसिव है सीरियसली। ओए होए होए आप खुद देखो कि मैं डेजर्ट में हूँ, जीप ऐसे ऐसे जा रही है और आपके सामने, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आपके सामने कि ये किस तरह से कैमरा स्टेबल है। बॉयज इस फ़ोन की गेम आप लोगों ने अभी जितनी मतलब मैं शूट कर सकता था वो बहुत तेज़ बंदा चला रहा था और मेरे से वो होश नहीं आ रही थी मुझे क्योंकि इसको कैसे संभालूं। क्या गेम उठाई है इसने OIS, मतलब इतना स्टेबल कि आपकी जीप बूम 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 करके जा रही है और एक इमेज इस तरह से बिल्कुल जा रहा है। खैर अभी हमारे घोड़े रेडी खड़े हुए हैं और इनके ऊपर हमने अनी पा देंगे। रेडी फॉर द घोड़ा सीक्वेंस और ये वो सनसेट होने जा रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत मैजिकल सनसेट होना है आज क्योंकि बादल बड़े खूबसूरत हैं। अभी एक घोड़ा, दो घोड़ा और वहाँ पे तीसरा घोड़ा है, इसमें हम लोग आए हैं। ये टीम की पहली गाड़ी और टीम की तीन गाड़ियाँ वो सामने आ रही हैं, आपको नज़र आ रहा है। पूरा एक वॉर का सीन है जिस तरह फिल्मी सीन होता है, खूबसूरत पहाड़ और सहरा में से तीन जंबो जीपें आते हुए। तेरा जल्दी है तुझसे सारी कटोरिया
ये आपको ड्रोन नजर आ रहा है और ये बॉयज खड़े हैं पोज मार के और वो सामने खड़ी हुई है टीम। तो अभी फिलहाल तो ये चीजें चल रही हैं, सुबह सुबह का टाइम। ये टूटा हुआ एक साज। ओए देख जाएगा भाई, ये हुआ मैविक एस टू प्रो का हाल। ओए यार शिट बॉयज, और ये स्क्रीन भी टूट गई। ये अभी ड्रोन क्रैश हुआ, आपके सामने स्क्रीन है। ड्रोन सामने से फॉलो कर रहा था और थोड़ा डाउन था, जिसकी वजह से जो हमारे डीओपी थे ना भाई, उन्होंने ड्रोन की फिक्र नहीं की, उन्होंने बोला शॉट अच्छा चाहिए बस। ट्रांजिशन तो क्या बात है, ट्रांजिशन बहुत अच्छा बच गया है यार वो, तुम लोग बच गए हो। देखिए गाड़ी का वो लगाओ जरा, गाड़ी वो मैंने दिखाया कि शीशा टूट गया और वासिफ ने मुंह बाहर निकाला हुआ था और हल्का सा ड्रोन ऊपर होता इसकी गर्दन, इधर स्क्रैच होने थे इसके, वासिफ के डेंट जो रिप्लेस भी नहीं हो सकते। अभी ड्रोन की वजह से शूट नहीं रुकेगा, वासिफ की वजह से रुक जाना था। एक ड्रोन जा चुका है अभी हमारे ऊपर, एफपीवी हमें फॉलो कर रहा है। एफपीवी के शॉट ज्यादा कूल होते हैं, वो ऐसे नीचे से आके कट मार के शॉट्स होते हैं सर, जब हम ब्लॉगिंग करते हैं ना, हाई रिस्क शॉट। तो अभी स्पीड उड़ाई हुई है गाड़ी की क्योंकि एफपीवी पीछे पीछे आ रहा है। और यार घुमा ना दी तेरी मेरे में बाबे शिखर। ओ ओ Oh no! Fast and Furious 23. अभी किधर है ड्रोन? Again we are in Sarfaranga Desert. कल भी हमारा यहाँ पे शूट था सुबह में, आज फिर से शूट है। फर्स्ट स्पॉट करके रूम में वापस आए, हसन बैठे, नाश्ता कर लिए, फिर दोबारा से सैंडविच मंगाए और सैंडविच पे जुबान किसकी मोती है? वासिफ। वासिफ मरवत खाओगे? नहीं बाबा, इन्होंने माइनस दिया है इसको। हाँ हर मोमेंट के ऊपर प्लान चेंज हो रहे हैं। पहले था कि हमने कचूरा लेक जाना है, लेकिन अभी एकदम से प्लान बना है कि हम लोग निकल रहे हैं देवसाई के लिए। ये ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है ना, वो लेवल बहुत ऊपर जा चुका है, क्योंकि यहाँ तो फिर भी मतलब मौसम अच्छा है लेकिन धूप धूप है, और देवसाई में इस टाइम सुनने में है कि 1 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इस तरफ तो ऑटम आ चुका है। उफ यार, पहाड़ों के रंग मतलब पहाड़ों पे जो पत्ते और दरख्त हैं उनके प्रॉपर ऑटम कलर्स आ चुके हैं। वादियों में चलते यूं खो जाएंगे हम तो, साहिबो साहिबो मन चाहे है जिसको, साहिबो साहिबो मिल जाए मन चाहे है जिसको। ओए होए 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 होए, एक खूबसूरत तकरीबन 1.5-2 घंटे की राइड के बाद हम लोग पहुँचे ऊपर। प्लेन्स आ चुकी हैं देवसाई की, अभी हमने मेरे ख्याल थोड़ा सा और आगे जाना है। और 2016 में मैं आया था, मुझे वो वाला ट्रिप इतना खास याद नहीं है, तब ना मैं रिकॉर्ड करता था उसको, देख भी नहीं सकता, पता नहीं कहाँ गई तस्वीरें डाटा। फुल ठंडी या हवाएँ हैं, जैकेट शैकेट अभी मैंने निकाल के पहननी है। हाँ भाई क्या चल रहा है? बहुत हैवी सीन है, मतलब मैं बड़ा था कि इस ट्रिप में देवसाई का चक्कर लगेगा या नहीं लगेगा। हाँ। हम साल पहले भी आए थे। हाँ। तो हमें यहाँ का चांस नहीं मिला था, नहीं मिला था। तीसरा चांस है, तीसरे में आए और जवाद अहमद की जवानी बांट रही है जवाद अहमद की जवानी के साथ खाइयों में कुछ और भी। ओए सर्दी बढ़ती जा रही है यार। ये आपने सिर्फ ये चेक करना है कि इस तरह एक खड्डों वाली रोड के ऊपर एक गाड़ी चल रही है और फोन मैंने बाहर निकाला हुआ है, स्टेबिलिटी आपके सामने है। साहिबो साहिबो मन चाहे है
फुल ऑन पोज में इस टाइम, सामने से सूरज है और ये हमारे ट्रिप का इस टाइम बेस्ट शॉट एक तरह से चल रहा है, क्योंकि जगह इतनी खूबसूरत जगह है, सामने से बादल का टेक्सचर और जिस तरह से धूप आ रही है और शेडो आ रहा है, नेक्स्ट लेवल गेम चल रही है। इस टाइम पीछे जो बादल हैं, जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, वो जो अभी अब से 20 मिनट पहले हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते, जो आपने ड्रोन शॉट देखा जिसके अंदर ये ग्लैम्प्स नज़र आ रहे थे, उसके बाद जैसी गाड़ियाँ रुकी हैं, डायरेक्टर ने कहा कि ये 10 मिनट है मेरे पास और मेरे 10 मिनट में मेरे ड्रीम शॉट चाहिए। खैर वो भाग 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 पूरे इधर हलचल मची हुई थी, तो इसलिए व्लॉग वहाँ पर शूट हो ही नहीं सकता था। अभी खैर वो सारा हमारा काम हो चुका है। बहुत ज़्यादा सर्दी है, मतलब इस तरह के वो नाक में से आपके वो जिस तरह रेड होना शुरू हो जाता है और वो वाला सीन है। अभी ये सामने सारे ग्लैम्प्स हैं जिनके अंदर आज की रात हमने रहना है। ओए होए होए होए, वेरी ड्रीमी वेरी ड्रीमी। सामने 1, 2, 3, 4 कोई 20-25 ये ग्लैम्प्स लगे हुए और इन्होंने बिल्कुल कैंडल टाइप जो है ना यहाँ पे, हम आए थे ये सोच के कि सनसेट होगा और बड़ा खूबसूरत एक सनसेट देखेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने सनसेट से कहीं ज़्यादा जो है ना वो खूबसूरत नज़ारे दिखाए। मतलब मैं सोच रहा था कि आज अगर हमारा ये शूट ना होता और हम इस तरह ही जिस तरह दोस्त हम निकलते हैं अपने ट्रिप पर वैसे बैठे होते, तो हम किसी और जोन में चले जाते, क्योंकि इस तरफ से ये एक नहर दरिया टाइप ये बह रहा है, उसके गिर्द उन्होंने बड़ा प्रॉपर सेट लगाया था जिसमें कुर्सियाँ, बॉनफायर और 3 दोस्त। स्टोरी नहीं, ओए कैमरा मेरे पीछे पीछे कैसे आ रहा था, कैमरा मेरे पीछे पीछे हसन लेके आ रहा था और हसन और जवाद, बहुत हैवी सीन था वहाँ पे, तो मतलब समझ ही नहीं आ रही थी, मैं तो बिहाइंड द सीन इन लोगों को देख रहा था, तो मतलब पता ही नहीं चल रहा था कोई इस तरह, मतलब हड़बड़ी में हर कोई कर रहा था। हाँ। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि शॉट्स जो हैं वो निकल आएंगे। हाँ। लाइट उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हाँ। और ये वाला जो व्यू है ना, ये वाला ये जो मेरे पीछे आ रहा है, ये उस टाइम गोल्डन कलर का लग रहा था और बहुत ही लेवल का दिल लग रहा था, अनरियल सा। हाँ, अनरियल सा था, बहुत लेवल। कुछ बनाई है वो ऐसे जवाद साहब ने और हसन ने कि गूगल फोटोज हैं वो। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ पे आके बंदा अल्लाह के थोड़ा सा और करीब हो जाता है। फाइनल डे इन स्कर्दू। इस टाइम हम लोग देवसाई में हैं और कल आपने अगर देखा होगा हम देवसाई पहुंचे और उसके बाद क्या खूबसूरत ग्लैम्प्स थे। अभी सुबह सुबह तकरीबन 6 बजे हुए हैं, ग्लैम्प्स से बाहर निकले हैं और हर तरफ एक अलग सीन है। वालेकुम सलाम, कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा देवसाई का? मैजिकल यार, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसा होगा यार। वाकई में मैंने भी लास्ट टाइम 16 का देखा हुआ, मुझे भी वो बिल्कुल याद नहीं था, और मैंने जब देखा था वो लश ग्रीन में देखा था, मेरा ख्याल है अगस्त से पहले, तो तब ग्रीन होता है। अभी जो है वो ऑटम के कलर्स आ रहे हैं, बिल्कुल ब्राउन और येलोइश टाइप टोन हुई है इसकी। यार अभी हम सबसे पहले नाश्ता करेंगे क्योंकि उसके अलावा तो काम नहीं होता। सो नाश्ता करने के बाद फिर हमारे पहले यहाँ पे 2 सीक्वेंसेज हैं, एक हम फिशिंग का सीक्वेंस कर रहे हैं, ठीक है, फिर हमने कुछ मॉन्टाजेस शूट करने हैं आप लोगों के इधर से उधर वॉकिंग के और डिफरेंट शॉट्स हैं, और फिर इंशाल्लाह आज रात पैकअप है। चलें डन। क्या हाल है मलिक, लेट्स गो, लेट्स गो। कैसे जा रहे हैं इसकर तू देवसाई? आपकी वो ड्रोन वाला मेंशन तो नहीं कर रहे हैं? मलिक हमारे मेन सिनेमेटोग्राफर हैं। yes, और sir. क्या मलिक ने गेमें उठाई हुई हैं यार। बस करें शुरू? Yes, sir. चलें शुरू। मीट मिस्टर मरवत, क्या हाल है मरवत? ठीक ठाक है आपके? मिस्टर मरवत हमारे FPV स्पेशलिस्ट हैं। यस। मुझे अपनी FPV स्टोरी बताओ, किस तरह क्या सीन है इसका? सो 3 years ago मैं रैली पे गया था, आई वाज फ्लाइंग दिस, आई कुडंट चेस कार्स बिकॉज दे वर वेरी फास्ट। तो वहाँ पे एक बॉय था, वो आया हुआ था, ही वॉज फ्लाइंग राइट नेक्स्ट टू द कार 160-170 की स्पीड में। तो आई अप्रोच्ड हिम, बट टर्न्स आउट ही वॉज वेरी एक्सपेंसिव, तो आई हैड टू सेल माई फोन एंड माई लैपटॉप। तो अभी FPV आप खुद बनाते हो? हाँ मैं खुद बनाता हूँ। फर्स्ट ड्रोन टुक मी लाइक ऑलमोस्ट 3 months यू कुड से, एंड नाउ आई कैन मेक FPV इन वन डे पूरा। लगे
जाने लगे हो ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके धीरे धीरे यूं दफनाने लगे हो करना तू और बर्बाद छड़ दे रोंदे आता लेना स्वाद छड़ दे जे सानू प्यार लई ऐ न तरसाओगे बड़ा पछताओगे